आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। निशुल्क हृदय रोग शिविर का रेड क्रॉस में हुआ आयोजन। जिला चिकित्सालय परिसर में रेड क्रॉस भवन में विशाल हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त बीपीएल कार्ड धारकों को एवं बच्चों के हृदय रोग का निशुल्क इलाज किया गया। इस शिविर में सीने में जलन, सांस फूलना, हृदय एवं वाल्व में सुकुड़न, हृदय की धड़कन कम या ज़्यादा चलने वाले मरीजों की जांच की गई। इस शिविर में बाहर से विशेषज्ञों को बुलाया गया। इस शिविर का लाभ प्रचार एवं प्रसार के अभाव में कम ही लोग ले पाए। शिविर में ईसीजी एवं शुगर की भी निशुल्क जांच की गई। दस्तक अभियान की कार्यशाला का आयोजन जिला स्थानीय चिकित्सालय में किया गया। जो महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए बुलाए थे, वो काम की बात करेंगे बीपीएम का और अपने एमएन की, हमारा जो है इसके बाद भी काम नहीं है। इस कार्यशाला का उद्देश्य दस्तक अभियान को क्रियान्वयन में होने वाली दिक्कतों एवं परेशानियों की समीक्षा करना था। साथ ही यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के अनुभव भी जाने गए। इस कार्यक्रम में जिले भर से दस्तक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। वो चीज़ जो साफ दिखता नहीं है इसके अंदर जो रिपोर्ट, क्योंकि आप लोग क्या है ब्लॉक में तो भी अपडेट ही नहीं है क्या आ रही क्या नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग अपन लोगों के काम का आईना क्या है अपनी। साथ ही इस बारे में विचार किया गया कि इस कार्यक्रम को और किस सुगम तरीके के द्वारा किया जा सकता है। तो डाटा एंट्री के लिए जो है पता की जो कार्यशाला है हमने रखी है, अभी हमारा दस्तक अभियान चल रहा है, तो दस्तक अभियान की हमने जो मध्य सत्र में जो चलती है ना, वो एक समीक्षा बैठक चली है, तो उसके हम लोग सब लोगों से जानकारी ले रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाई है, और सब लोग अपने बीएमओ लोग भी सब आए हैं, बीना गंज वाले हैं, बमोरी वाले हैं, तो वो ये भी बताएंगे, उनके अनुभव भी बता रहे हैं हमारे बीपीएम बीसीएम दो, तो एक कार्य योजना बना रहे हैं कि अपन इस काम को और कैसे सरलता से कैसे। हजरत चांशा वाली दरगाह पर ईद की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यहां पर आज ईदगाह परिसर की साफ सफाई की जा रही है, ताकि यदि आज चांद दिख जाता है तो कल ईद की नमाज यहाँ की जाए। यहाँ पर बारिश के मौसम को देखते हुए पहली बार वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यदि आज चांद दिख जाता है तो कल ईद की नमाज सुबह 10:30 बजे की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि नमाज पढ़ने वालों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी विभागों जैसे नगर पालिका, पुलिस प्रशासन आदि को सूचना दे दी गई है। हजरत चांशा वाली ईदगाह प्रबंध कमेटी वफ गुना द्वारा साई बड़ी ईदगाह की संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और यदि आज रात्रि में चांद दिखता है तो कल ईद उल फितर की नमाज 10:30 पर साई बड़ी ईदगाह पर जामा मस्जिद के पेश इमाम साहब द्वारा अदा कराई जाएगी। ईदगाह की साफ सफाई, बाउंड्री का काम और नगर पालिका की व्यवस्थाएं, जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं के संबंध में समस्त विभागों को अवगत करा दिया गया है, और यहां पर समस्त विभाग अपने अपने स्तर से व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब पहली दफ़े कमेटी के प्रयास से साई बड़ी ईदगाह पर वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था दिल्ली टेंट हाउस के माध्यम से करवाई गई है।
दाऊदी बोहरा समाज द्वारा आज ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह 5:10 पर फजर की नमाज के साथ ईद का आगाज़ हुआ। 5:50 पर खुतबे की नमाज स्थानीय आमिल उल्ला अब्बास गोदरा वालों ने पढ़ाई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में समाज जन ने शिरकत की। नमाज के बाद खुशी की मजलिस अक्द की गई। उसके बाद शीर खुरमे और खारकों का दौर चला। 7:30 पर गुना कलेक्टर राजेश जैन स्थानीय बोहरा मस्जिद में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे, जहाँ उनका स्वागत वरिष्ठ पत्रकार नूरल हसन नूर ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री जैन ने अपने संदेश में देश प्रदेश और शहर में अमन और भाईचारे का आह्वान करते हुए बोहरा समाज द्वारा 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के नेतृत्व में देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान तथा वृक्षारोपण प्रोजेक्ट की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि बोहरा समाज की सिस्टमेटिक तानाबाना हमारे लिए एक नज़ीर है। वार्ड क्रमांक 16 चौधरन कॉलोनी में क्राइस्ट स्कूल के पास पार्क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। आइए विक्रम भाई साहब की सबसे ज्यादा इच्छा थी, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष प्रमोद राजू यादव, पार्षद श्रीमती गीता धाकड़, रामबाबू राठौर, प्रेम सिंह कुशवाहा, राजू ओझा, मनीष शर्मा, राजेश साहू, संतोष साहू, अजय ओझा, नवीन चौधरी, राम भरोसा कुशवाहा, कार्यपालन यंत्री आरबी गुप्ता, उपयंत्री राकेश शाक्यवार, सुनील जैन, सन्नी जैन, संचित ढीमरी, दीपक धाकड़, शकील एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए। अंदर पेपर्स और फुब्बारे वगैरह लगाकर इसको सजा के कंप्लीट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिषद शहर में हर मोहल्ले में पार्क बना रहे। लोग पर मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर कॉलोनी में एक एक पार्क बने, लेकिन नगरपालिका गुना कम से कम 30 पार्क हाथ में लेकर, अभी हमारा ये 8वां 9वां पार्क है, 30 पार्क हम शहर में 30 पार्क हम कंप्लीट कर रहे हैं। और 30 पार्क करने के बाद इसको हम गोद क्रस्ट स्कूल प्रिंसिपल को देंगे, जिसमें इसमें वृक्षारोपण और चौकीदार की व्यवस्था क्रस्ट स्कूल करेगी। और गौरक्षा समिति के सदस्यों ने सिंहवासा पार्क में वृक्षारोपण किया। गौरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा विगत 3 जून से चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत आज सुबह सिंहवासा पार्क में वृक्षारोपण किया गया। समिति के अध्यक्ष सचिन अवस्थी ने बताया कि समिति द्वारा आगे भी वृक्षारोपण किया जाएगा, साथ ही लगाए गए पौधों की देखरेख और निरंतर पानी की समिति द्वारा प्रतिदिन डाला जा रहा है। इस अवसर पर सचिन अवस्थी, मुकेश अवस्थी, आदित्य अवस्थी, विकास तिवारी, बाल मुकुंद मिश्रा, सारांश गौरव, अभिषेक, अतुल मिश्रा, गोलू आदि अन्य युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। डिजियाना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।